हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 1 फरवरी। तो 1 फरवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो हमने 1 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे, तब लास्ट में आपको 2 टेस्ट दिए गए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो कल का आपका सबसे पहला टेस्ट है कि सुमन कुमारी किस देश में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। तो सुमन कुमारी हाल ही में पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त हुई हैं, और ये पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका बी। और दूसरा टेस्ट था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका डी। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी जनों ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 फरवरी के करंट अफेयर्स। आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको 2 टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व कुष्ठ अनुमूलन दिवस कब मनाया गया। तो जो विश्व कुष्ठ अनुमूलन दिवस है ये हाल ही में 30 जनवरी को मनाया गया है, और ये जो दिन है ये हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी सहायता के लिए, और लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के लिए, उनके रोग के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पता चाहिए कि जो कुष्ठ रोग है उसे हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है। अब ये 2019 में अगर ये दिन मनाया गया है तो थीम भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस साल का थीम है भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। देखिए, जो कुष्ठ रोगी हैं उनसे कई लोग भेदभाव करते हैं ना, तो इस चीज को समाप्त करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है मेनली। अब ये तो हो गया, आपको पता लग गया विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के बारे में। बट जनवरी के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी मैं एक बार रिपीट करने वाली हूँ, क्योंकि जनवरी मंथ खत्म हो गया ना, तो एक बार एक जगह नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना 1 जनवरी। 1 जनवरी को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का दिन मनाया गया है। और उसके बाद आपको याद रखना 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। और उसके बाद आपको याद रखना 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और उसके बाद 10 जनवरी याद रखना, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद 14 जनवरी याद रखना, तो 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद कर लीजिए, आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए आपको। 15 जनवरी याद रखना, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। और उसके बाद 24 जनवरी याद रखना, तो 24 जनवरी को 2 दिन मनाए गए हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया है। और उसके बाद अगला याद रखना 25 जनवरी, जब नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही। और उसके बाद लास्ट आपको याद रखना 28 जनवरी, 28 जनवरी को डाटा संरक्षण दिवस मनाया गया। और 30 जनवरी को आप लोगों को पता लग गया विश्व कुष्ठ अनुमूलन दिवस मनाया गया है। तो इतनी बड़ी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने डेज रिपीट किए हैं वो तो है ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे UAE और सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च की गई साझा डिजिटल करेंसी का क्या नाम है। तो हाल ही में जो UAE देश है और जो सऊदी अरब है, इन दोनों देशों ने मिलकर एक साझा डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। उस करेंसी का नाम आपको बताना है, तो उस करेंसी का नाम है अबेर। और ये करेंसी तो लॉन्च कर दी गई है, आप लोगों को पता लगे UAE और सऊदी अरब ने मिलकर की है, बट इस करेंसी को क्यों लॉन्च किया गया है? तो इन दोनों देशों के बीच में ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बीच में वित्तीय भुगतान करने के लिए इस करेंसी को लॉन्च किया गया है। देखिए, जो शुरू शुरू में इस करेंसी को लॉन्च किया गया है, तो शुरू शुरू में क्या होगा कि इस करेंसी का जो यूज़ है वो सिर्फ केंद्रीय बैंकों में ही किया जाएगा इन दोनों देशों में, UAE और सऊदी अरब में। देखिए, अभी अभी जब मैंने आपको बताया कि ये जो करेंसी है
इन दोनों देशों के बीच में ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बीच में वित्तीय भुगतान करने के लिए यूज की जाएगी। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन क्या है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल बही खाता होता है, पता लग गया होगा आपको। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यूएई और सऊदी अरब के बारे में, क्योंकि उन दोनों देशों ने मिलकर इस करेंसी को लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर है यूएई, यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी है यूएई की दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। अब आपको पता होना चाहिए सऊदी अरब के बारे में, यहाँ पर सऊदी अरब या सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और किंग का नाम है सलमान, सलमान ऑफ सऊदी अरबिया, इनके किंग है सऊदी अरब के। इतनी इंपॉर्टेंट बातें अपने दोनों देशों के बारे में नोट करनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रेटेजी के वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बिहार में कई सड़कों और नदी परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो बिहार में कई सड़कों और नदी परियोजनाओं का जो उद्घाटन है वो हाल ही में नितिन गडकरी ने किया है। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? तो ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट है इनका नाम नोट कर लीजिए, ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। और देखिए इस परियोजना के तहत क्या होगा कि बिहार के रक्सौल जिले में दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और बगहा में चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और इसी के साथ साथ बिहार में हाजीपुर से लेकर त्रिवेणी घाट तक 300 किलोमीटर लंबे नदी मार्ग के विकास का भी उद्घाटन किया गया है, इंपॉर्टेंट रखना है ये सब आपको याद। और आप लोग को पता ही होगा कि हाल ही में नितिन गडकरी ने, हमने कल करंट अफेयर पढ़ा था कि नितिन गडकरी जी ने ही राजस्थान में भी चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बिहार के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये जो परियोजनाएं हैं इसका उद्घाटन बिहार में किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। यहाँ पर बिहार, बिहार की कैपिटल पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं लालजी टंडन और बिहार के अंदर लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16, विधानसभा सीटें 243 और बिहार का फोक डांस है जाटा जटिन और बिहार का नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी और विश्व शांति नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विश्व शांति नामक एक प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये हाल ही में नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई ये एग्जीबिशन। और ये एग्जीबिशन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो ललित कला अकेडमी के द्वारा इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये जो एग्जीबिशन ये महात्मा गांधी जी की 180वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ऑर्गेनाइज की गई है। और महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, आप लोगों को पता ही होगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी की पूर्ण तिथि कब मनाई जाती है? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पूर्ण तिथि मनाई जाती है। और 30 जनवरी आप लोगों को मैंने बताया था कि शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, बेशक इससे रिलेटेड करंट अफेयर नहीं आया था फिर भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। और महात्मा गांधी जी शहीद कब हुए थे? तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे और इनकी पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य पर ही हाल ही में 2019 में ही गुजरात में, गुजरात के अंदर दांडी में एक नमक सत्याग्रह स्मारक का भी उद्घाटन किया गया जिसमें महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनाई गई है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको महात्मा गांधी जी के बारे में ही जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई वो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे करनोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है? तो ये हमारे रेल मंत्री हैं और पीयूष गोयल रेल मंत्री के साथ साथ हमारे कोयला मंत्री भी हैं और ये हमारे कॉरपोरेट मामलों और वित्त मंत्रालय के इंटरिम मिनिस्टर भी हैं जिन्हें हाल ही में कॉर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिन्हें। और देखिए ये जो करनोट पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो क्लीनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी और पेलिस्वेनिया स्कूल ऑफ डिजाइन के द्वारा इस स्कूल पुरस्कार को दिया जाता है जो कि अब पीयूष गोयल को दिया गया 2019 में। इन्हें क्यों दिया गया है? तो ऊर्जा के क्षेत्र में इनके विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये तो पता लग गया आपको कि पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं प्रेजेंट में, बट स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे उनका नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने आपको बताया था उनका नाम है जॉन मथाई जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एडमिरल एम एस पवार। हाल ही में एम एस पवार को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख यानी कि डिप्टी चीफ बनाया गया इन्हें।
और आप लोग को मैंने पढ़ाया था कल कि हाल ही में नौसेना में यानी कि इंडियन नेवी में उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं, जिनका नाम है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, और जो MS पवार है इन्हें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नौसेना के बारे में पता चाहिए, हमारी इंडियन नेवी के बारे में। देखिए, इंडियन नेवी डे ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इंडियन नेवी के चीफ का नाम होता है, इंपॉर्टेंट है आपको, तो उनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा। आज का अगला क्वेश्चन है, CPRI की क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की नींव कहाँ रखी गई है? तो CPRI इसकी क्या फुल फॉर्म है? तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हाल ही में सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की जो नींव है ये हाल ही में महाराष्ट्र में रखी गई है। महाराष्ट्र के अंदर कहाँ? तो महाराष्ट्र के अंदर नासिक में इस प्रयोगशाला को बनाया जाएगा। और इस प्रयोगशाला की नींव किसने रखी है? तो RK सिंह ने इसकी नींव रखी है। RK सिंह कौन है? तो RK सिंह ये हमारे केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। CPRI यानी कि सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए, जो CPRI है इसकी स्थापना 1960 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। महाराष्ट्र के बारे में भी आपको बताना चाहिए, यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव, लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19, विधानसभा सीट है 288, फोक डांस है पवारी नाच, नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क और धोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। आज का अगला क्वेश्चन है आपका, हज पर GST 80% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो जो लोग हज पर जा रहे हैं वहां पर जो जो ये लोग यूज करेंगे वस्तुएं उस पे जो GST रेट है वो 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की है मुख्तार अब्बास नकवी ने। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? तो ये हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। GST की फुल फॉर्म आप लोग को पता होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉमन सी बात है, ये तो पता ही होगी आपको। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में हमारा जो भारत है वो 54th रैंक पे है। और देखिए, ये जो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स है इस इंडेक्सिंग में भारत को पहली बार स्थान मिला है। और ये जो इंडेक्सिंग है टोटल 60 देशों की इंडेक्सिंग की गई थी जिसमें भारत को 54th रैंक मिला है। ये तो पता लग गया आपको कि हमारा भारत 54th रैंक पे है, बट फर्स्ट थ्री रैंकिंग कौन से देशों की है? तो पहले स्थान पर है दक्षिण कोरिया, जो कि लगातार पिछले 6 सालों से इस इंडेक्सिंग में पहले स्थान पर ही आ रहा है, और दूसरे स्थान पर है जर्मनी, और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। फर्स्ट थ्री रैंकिंग आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया। अब क्योंकि साउथ कोरिया पहले स्थान पर, तो साउथ कोरिया के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर साउथ कोरिया, साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वोन, प्रेसिडेंट है मून जे इन, प्राइम मिनिस्टर है ली नेक योन। ये तो इम्पोर्टेंट बातें हो गई दक्षिण कोरिया के बारे में, क्योंकि दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर था इसलिए इसके बारे में मैंने आपको इम्पोर्टेंट आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, जीन ल्यूक ने राउंड द वर्ल्ड नौका दौड़ जीती है, और आपको बताना है कि वो किस देश के नाविक हैं? तो जीन ल्यूक जिन्होंने हाल ही में राउंड द वर्ल्ड नौका दौड़ जीती है ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। एज आपको पता नहीं चाहिए कि 73 ईयर की एज में इन्होंने ये रेस जीती है। और जो जीन ल्यूक है ये सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं इस रेस को जीतने वाले, और इन्होंने 3000 मील की गोल्डन ग्लोब रेस को भी पूरा किया है। फ्रांस के बारे में पता नहीं चाहिए क्योंकि ये फ्रांस के नाविक है। यहाँ पर फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर एडोर्ड फिलिपी। आज का अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र किस देश ने अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है इटली। हाल ही में इटली ने, संयुक्त राष्ट्र और इटली ने मिलकर अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च किया है। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है म्यूसेप कोंटे, और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है, म्यूसेप कोंटे नाम है। और इस सेंटर को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रोम में है, वहां उसके मुख्यालय के पास इसको स्थापित किया गया है इस सेंटर को। और इस सेंटर को क्यों स्थापित किया गया है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा लाना, ग्रामीण जो लोग हैं उनका विकास करना इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। आपको FAO के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दी कि रोम में है इटली के अंदर, और इसके जो DG है उनका नाम भी याद रखना, उनका नाम है जॉस
ग्रेजियानो और डा सिल्वा। यूएन के बारे में पता है, जो यूनाइटेड नेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है। कई बार आप लोगों को बताया, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, और जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उनका नाम है मीना जे मोहम्मद। यूएन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। इटली के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इटली, इटली की कैपिटल रोम, करेंसी है यूरो, प्रेजिडेंट है सर्जियो मैट्रेला, प्राइम मिनिस्टर है जोसेफ कोंटे। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इटली के बारे में नोट करनी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, जो कि आपका एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। ये जो पिक्चर में दिखाई थी, ये है राजीव चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में एनसीसी, इसकी क्या फुल फॉर्म है, द नेशनल कैंडल कॉर्प्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और जो राजीव चोपड़ा है, इनसे पहले एनसीसी के डीजी यानी कि महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है पीपी मल्होत्रा। पीपी मल्होत्रा की जगह लगा ली है राजीव चोपड़ा ने। राजीव चोपड़ा के बारे में आपको बताना चाहिए, देखिए जो राजीव चोपड़ा है, ये जून 2016 में मद्रास रेजिमेंट में कर्नल भी थे। एनसीसी का हेडक्वार्टर आपको बताना चाहिए, नेशनल कैंडेट क्रॉप्स का, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इतनी इंपॉर्टेंट बात है आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको राजीव चोपड़ा का ही नाम याद रखना है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके फर्स्ट फेबरी के करंट अफेयर्स, और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा गया था कि लास्ट में तो टेस्ट दिए जाएंगे ना, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिलीप सदरंगानी को किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? उनका नाम इन चार ऑप्शन में से बताना है। दूसरा टेस्ट है आपका आज का, उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जिले में बनाया गया है? उस जिले का नाम बताना है, उत्तराखंड के अंदर जो है, उत्तराखंड के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी जो कि बताई गई है आप लोगों को। और ये तो उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन है ना, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये उत्तराखंड का ट्यूलिप गार्डन है, पर हमारे भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है। पर हम जो हमारे भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन है वो किस राज्य में बनाया गया, वो भी आपको बताना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े मस्त, थैंक यू।